घटना कैसे हो गई ये नहीं पता है, लेकिन जो भी घटना हुई दुखद हुई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। मुझे जैसे भी पता चला मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को फोन किया, उनको बताया, और उसमें जो लोग थे घर में उन लोगों में ने भी शायद पुलिस को किसी को फोन किया है, 600 नंबर पे किया हो, जैसे किया हो, जहां मुझे पता चला। तो पुलिस इस घटना की पूरी जांच कर रही है, जो कुछ भी होगा खुलकर के सामने आएगा। उनके परिवार जन के साथ हैं, और अगर कोई दोषी है इसमें और दोषी अगर पाया जाएगा पुलिस की जांच में, तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, और हम कानून के साथ खड़े हैं, विनय के परिवार के साथ खड़े हैं। आप लोगों को घटना के बारे में कब पता चला? मुझे तो घटना सुबह वही पता चली, करीब 4:30-5 बजे के आसपास की बात है। जब पता चला तो मैंने तत्काल जो है बात किया पुलिस कमिश्नर साहब से और उनको सूचना दी इसकी। घटना के वक्त कौन कौन मौजूद था? क्या विकास किशोर भी घटना के समय उस जगह में मौजूद थे? नहीं नहीं, विकास किशोर नहीं मौजूद थे। विकास किशोर को कल दिल्ली जाना था, तो बेचालाल हैं, उनके साथ 4:50 की फ्लाइट से लखनऊ से दिल्ली गए हैं कल शाम को। अच्छा, तो अभी घटना के वक्त कौन उनके दोस्त मौजूद थे कौन? क्योंकि परिवार का मतलब जो विनय श्रीवास्तव उसके भाई ने आरोप लगाया है कि जो साथ में 2-3 दोस्त मौजूद थे उनके ऊपर उनको सबको ले गई पुलिस। पुलिस सबको ले गई है और पुलिस उनसे बातचीत कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। जो भी होगा घटनाक्रम को वो जो लोग वहां मौजूद थे वही जानते होंगे, और वो जांच के दौरान खुल करके जरूर आएगा। और मैं समझ रहा हूँ पुलिस उसकी जो जांच कर रही है उसमें सारी हकीकत निकल करके सामने आएगी। घटना में जो हथियार का उपयोग हुआ है कहा जा रहा है कि वो विकास का था, विकास किशोर? हाँ हाँ, विकास का ही हथियार था वो पिस्टल, और चूंकि विकास दिल्ली गया था इसलिए पिस्टल जो है घर में ही रख करके गया था, और जब कहीं बाहर जाता था तो पिस्टल रख करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका लाइसेंस जो है केवल उत्तर प्रदेश का, और फ्लाइट से लेकर के जा भी नहीं सकता। लाइसेंस इंटरनेशनल होता था, नेशनल होता था, सकता था। अब कैसे हथियार मिला ये वो लड़के जो पुलिस ले गई है वो बता पाएंगे कि उनको हथियार उनके हाथ में कैसे आया। अभी क्योंकि अभी जहां पे हत्या हुई है उसके आसपास सीसीटीवी फुटेज कैमरे भी लगे हुए हैं, यहाँ पे घर पे भी सीसीटीवी कैमरे हैं, तो कोई मूवमेंट के लिए क्या अभी आपके तरफ से सीसीटीवी दे दिया गया? दे दिया गया, सीसीटीवी के जितने फुटेज हैं वो पूरे के पूरे पुलिस को उपलब्ध करा दिया। पुलिस कमिश्नर से अभी बात कोई हो पाई है कि क्या घटना में सामने निकल के आया है? क्योंकि घटना को अब 4-5 घंटे बीत चुके हैं, क्या अभी तक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कोई सामने आ पाया है प्रकरण कि कैसे उन्होंने क्या घर के अंदर से पिस्तौल चुराई या क्या किया? विनय जी की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए सील होके गई है और पुलिस उन लोगों को लेके गई जो लोग घर में मौजूद थे। अब वो जांच कर रही है पुलिस, और अभी इस संबंध में हमने कोई जानकारी हमें अभी नहीं मिली है। पुलिस ने ये जरूर कहा है कि जो भी इनसे जानकारी होगी उसका बताया जाएगा, तो इसमें जो है हम पुलिस की जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते या पूछना नहीं चाहते। पुलिस जो है जो चीज निकल करके आएगी वो निश्चित तरीके से बताने का काम करेगी, और इसीलिए उन सब लोगों को लेकर के गई है जांच करने के लिए। विकास किशोर कब तक वापस लौटेंगे? उनको घटना का सुन के उनको किस तरह का उनका किस पे रिएक्शन था? तो रो रहा था कि उसका बहुत जिगरी दोस्त था ये विनय, और मैं क्या बताऊं, मुझे भी जो है कभी कभी रात में दवा खत्म हो जाती थी, किसी दिन खत्म हो गई नहीं मालूम है बीपी की दवा, तो मैं आंसू से कहता था कि दवा खत्म हो गई, तो आंसू विनय को ही फोन करके बोलता था या कहता था कि दवा ले आओ, तो ये रहो हॉस्पिटल के पास जा करके रात के 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे भी वो दवा। घर के एक सदस्य की तरह थे क्या? हमेशा आपके घर के साथ में रहते थे या खाली? विकास के साथ उसकी दोस्ती थी, और ये पूरी टीम जो है ये सब एक दूसरे के दोस्त हैं, सब साथ में ही रहते हैं। ये घटना कैसे हुई मैं खुद इसके लिए बड़ा ताजुब मान रहा हूँ कि कैसे घटना हो गई है, लेकिन खुल के आएगा इसे।